जब वो इसको ये नाम इसलिए दिया गया है ताकि राधा स्वामी वाले जो पांच नाम है ज्योति निरंजन ओंकार अलंकार सोम सतनाम ये तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल जाए। भाई और कभी कभी ये राधा स्वामी वाला नाम जपने लगते हैं मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि मन अंदर शैतान बैठा है। तुम ये वाले जब जपोगी और जब गहराई में चली जाओगी तो ये वाले छोड़ के वो वाले जपने लग जाएगा। दोनों ये इसीलिए दिया गया ताकि इसको कसके पकड़ो और वो पुराने नाम छूट जाए, वो याद ही ना आए। तब समझो कि पहला कोर्स पूरा हो गया। अभी और करना है इसको, 2-4 महीने और करो। अगली बार जब आएंगे ना, क्योंकि जब तक पिछला रास्ता क्लियर ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और कौन है, कहाँ से जुड़े थे? राधा स्वामी में। कितने साल से? 2011 में। ठीक है, अभी फिर समझ में आ रहा है हमारा सत्संग? बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से? राधा स्वामी में। चलो अच्छी बात है। और कौन है प्रथम दीक्षा वाले? चलो आज आपको प्रथम दीक्षा मिलेगी, चरणामृत मिलेगा, कंठी मिलेगी और तिलक लगाया जाएगा। पहली दीक्षा में भावना अक्षर दिए जाते हैं ताकि वो सारे नाम जो आज तक जप रहे थे वो सब दिलो दिमाग से निकल जाए। उसके बाद दूसरी दीक्षा मिलेगी, फिर मालिक की दया होगी, तीसरी दीक्षा प्रकट होती है। वो बता रहा हूँ ना मैं, जब तक पुराने नाम आ रहे हैं आपके बार बार मन में, जब तक आप योग्य नहीं हुए। हाँ, तो अभी इसको आने दो और अपना काम करते रहो जो मैंने बताया है। अभी ये अंदर जंग चल रही है दोनों की, कभी ये पकड़ ले रहा है कभी वो पकड़ ले रहा है। जब वो धराशायी हो जाएगा, वो आएंगे ही नहीं, तब समझो कि अब अगली दीक्षा लूंगा। है, मैं बता रहा हूँ ना, नाम है, लेकिन जैसे लोहे को लोहा काटता है, अब लोहा वो भी है लोहा ये भी है, लेकिन एक कटेगा और एक काटेगा, फर्क है ना। जहर को जहर काटेगा, सांप ने काट लिया तुम्हें जो तुम दवाई लेने जा रहे हो उसमें भी सांप का जहर है, लेकिन एक जहर दूसरे को काटेगा, एक कटेगा एक काटेगा। इसी प्रकार बावन अक्षर जो तुम जप रही हो और जो हमने दिए हैं उन दोनों में फर्क है, एक कटेगा और एक काटेगा। और जब तक वो पूरी तरह ना कट जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ लोग जल्दबाजी में आ जाते हैं, फिर वही प्रॉब्लम लेके, गुरु जी मैं ध्यान धरता हूँ, थोड़ी देर में मन ऐसा घुमा देता है कि मैं देखता हूँ अरे वो पांच नाम जप रहा हूँ मैं दोबारा से, और मुझे पता भी नहीं लगने देता मेरा मन कि कब मुझे वो पांच नाम के लपेटे में डाल दिया। फिर मैं एकदम होश आता, अरे ये कैसे हो गया। ऐसा ही होता है ना, इसी को खत्म करना है। प्रथम दीक्षा में ये नाम इसीलिए दिए जाते हैं कि ये सिचुएशन ही खत्म हो जाए, याद करने पर भी याद ना आए वो नाम कौन से थे। होगा ही ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ऐसा कोरा कागज हो जाओगे जैसा नाम लेने से पहले थे, समझ रहे हो, ऐसा हो जाएगा काम बिल्कुल। रबड़ और जो लिखा हुआ है उसमें देखो, रबड़ मिटाओ, रबड़ से मिटाओगे तो शुरू में लगेगा कि नहीं मिटेगा, लेकिन मिटाते 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 पूरा पन्ना साफ। तो ऐसे होता है, बहुत इसकी महिमा है प्रथम दीक्षा की भी। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान दियो तुम भाई। पान यानी चरणामत दो, नाम दो, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। ये दूसरी दीक्षा है, शब्द माही जब निश्चय आवे और ताको ज्ञान अगाध सुनावे, ये तीसरी दीक्षा है। तीनों दीक्षा पूर्ण हो जाती हैं, उसके बाद खेल खत्म, काल भगवान कुछ नहीं कर सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले फिर जीव को फंसा नहीं सकता। ये चरणामत के लिए थाली लेके आओ, घर में कोई विरोध तो नहीं हो रहा कि गुरुजी छोड़ दिए तुमने? थोड़ा सा हो रहा है, पति देव ने ले रखा है नाम वहां से, दोनों ने लिया था ना एक साथ, अलग अलग लिए है। लगता है कटपट, तो वो हमारा सत्संग नहीं सुनते पति आपके? अच्छा अच्छा नेगेटिव बोलते हैं वो, फिर उन्होंने मन से सुना नहीं ना। अच्छा, तो अभी पूरा विवेक नहीं जगा, यानी तारीफ करते हैं तो इसका मतलब कि विवेक है थोड़ा सा लेकिन पूरा नहीं जगा है अभी। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे समझाओ उनको। आप अगर समझ गए, समझ चुके हो तो आप बिना सत्संग के भी समझा सकते हो।